असह्य शीतरे थरअर हेउछि सारा ओडिसा। ए हाडबंगा शीतरु टिके उपशम पाइबा पई लोकमाने शीत वस्त्र परिधान करछन्ती। हेले केबे आपण देखिछन्ती कि शीतरु रक्षा पाइबा पई भगवान भी शीत वस्त्र परिधान करिबा। मात्र एठारे से अलौकिक दृश्य देखिबाकु मिलिछि। आउ ए शीतरु रक्षा पाइबा पई मा मंगला पिंधिले शीत वस्त्र। हो आज्ञा, आजि हेउछि मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि। एहाकु पौराणिक मतरे कुहाजाए ओढ़णी षष्ठी। आजिर ए पवित्र दिनरु देवादेवीङ्कु शीत वस्त्र परिधान कराए। घोड़ लागि नीति अनुष्ठित हुए। काकटपुर अधिष्ठात्री देवी माँ मंगलाङ्क निकटरे आजिठु घोड़ लागि बेश अनुष्ठित हेउछि। रेशमी वस्त्रे स्वतंत्र चादर तयारि हुए। माँक श्रीमुखकु छाडि आउ समस्त शरीरकु रेशमी चादरे ढोकन कराए। माँक बड़ सिंहार बेश हुए। काकटपुरवासिनी माँ मंगलाङ्कर विभिन्न वर्षत बार मास तेर पर्व अनुष्ठित होता है। तन्मध्यरु माँगर ओढ़ण षष्ठी अन्यतम। ये ओढ़ण षष्ठी में माँ घोड़ लगी होती। शीत दिने शीत वस्त्र देवी देवता मैंने समस्ते परिधान करते। तन्मध्यरु माँ मंगला होती अन्यतम। ओढ़ण षष्ठी ठार श्री पंचमी सरस्वती पूजा पर्यंत माँ पाखे ओढ़ लगी होता है। धनुरु मकर संक्रांति पर्यंत माँ पाखे पहली भोग लगी होता है। ए घोड़ लागि ओढ़णी षष्ठी आरंभ हुई माघ मास शुक्लपक्ष पंचमी तिथि अर्थात सरस्वती पूजा पर्यंत अनुष्ठित हुए। ए बेसरे माँ को दुर्लभ घोड़ लागि दृश्य को निज चर्म चक्षुरे दर्शन करने को शताधिक भक्त राज्यर कोण अनुकोण आसी थांती। दर्शन करने मोर धारणा ना मानव मान जमी शीत दिन शीत वस्त्र परिधान करते देवता देवी मान शीत दिन शीत वस्त्र परिधान करते आज आज दिन माँ रात रेशम वस्त्र परिधान कर। मानवीय लीलारे जगत जननी माँ मंगला जेपरी शीत दिन आसिले संध्या परे आम शरीर घोड़े हेबाकु शीत वस्त्र खोजे, ठीक सेहिपरी माँ मंगला निजे शीत वस्त्र परिधान करि संसाररे तांको वास्तविक लीलाकु निजे अनुष्ठित करुछंती। सेथिपाई तो से हेउछंती लीलामयी। काकटपुर आरतत्राण महांती रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर।